अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आई एम डॉक्टर बुरहान जाहिद, एमबीबीएस थर्ड ईयर, सीएमएच खानिया मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यूएचएस के लो मेरिट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जिनका मेरिट 70 से 80% के दरमियान फॉल करता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स का वहाँ एडमिशन हो सकता है और कौन कौन से कॉलेजेस उसके अंदर आते हैं, इन सब की डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इन सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, इन कॉलेजेस की बात करते हैं। इन कॉलेजेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल के अंदर वाक़ है, इसका मेरिट जो लास्ट ईयर का है वो 68 से 69 के दरमियान फॉल किया था। इस दफ़ा की अगर हम मेरिट की बात करें, क्योंकि CIP पॉलिसी है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ लोग कह रहे हैं मेरिट थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। अगर हम थोड़ा सा मेरिट इंक्रीज़ भी करें तो 71 तक मेरिट इसका जा सकता है, इससे ज़्यादा इसका मेरिट जाने के चांसेस नहीं है। तो इसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो 71 से 72% के दरमियान मेरिट इसका फॉल करेगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेडिकल कॉलेज आता है वो इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद आता है। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर मेरिट की बात करें तो वो भी 70 से लेकर 75% की रेंज में फॉल किया था, और इस दफ़ा भी चांसेस यही है कि इस दफ़ा भी इनका मेरिट इसी रेंज में फॉल करेगा। और इसकी फ़ी प्राइवेट के अंदर नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम तीसरे मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसके चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। इसके अंदर आपको तमाम तरह की प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की एडमिशन अपडेट्स दी जाएंगी, जिसके अंदर आपको तमाम कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट, आपके मेरिट के अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जाएगा कि आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन के चांसेस हैं, आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आपको तमाम तरह की मेरिट लिस्ट की डिटेल्स दी जाएगी, जिस कॉलेज की मेरिट लिस्ट लगेगी, जिस कॉलेज के अंदर मेरिट लिस्ट अपडेट होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें। अब आते हैं हम तीसरे मेडिकल कॉलेज की तरफ। तीसरा मेडिकल कॉलेज हमारे पास आता है नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोधा। नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोधा की बात करते हैं, इनका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था वो 75 से 80 की रेंज में फॉल किया था, इस दफ़ा भी इनके चांसेस हैं 77 से 78% के दरमियान मेरिट फॉल करने के। तो जिन बच्चों का मेरिट कम है, 70 से 80 की रेंज में मेरिट फॉल कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाई तो UHS में ऑलरेडी सब में हो चुका है, उनको प्रेफरेंस में इन कॉलेजेस को रखना चाहिए था और उम्मीद है उनका इन कॉलेजेस में नाम आ जाएगा। इसके बाद हम चौथे कॉलेज की बात करते हैं, उसके अंदर राय मेडिकल कॉलेज सरगोधा आता है, उसका भी मेरिट 70 से 80 की रेंज में फॉल करता है। इसके बाद हम पाँचवें मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। वो कौन सा है? उसका नाम अबवा मेडिकल कॉलेज है, जो कि फैसलाबाद में वाक़ है। इसका जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो 65 से 68% की रेंज में फॉल किया था, और इसकी जो फ़ी की बात करते हैं, इसकी इस साल की फ़ी 1,58,00,000 रुपये है, जो कि तमाम कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपका एडमिशन और कहीं नहीं हुआ तो इधर हो जाएगा, लेकिन फ़ी के अकॉर्डिंगली ये कॉलेज बहुत ही महंगा है। इसके बाद हम आप एक और कॉलेज की बात करते हैं, वो आते हैं हमारे पास शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज, जो कि लोधरा में वाक़ है। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर की मेरिट की बात करें, इसका लास्ट ईयर MBBS का 73 से 75% की रेंज में फॉल किया था, और इस दफ़ा के मेरिट की बात करें, इस दफ़ा इनका मेरिट सेम इसी सिचुएशन में रहेगा, 72 से 75, 76 के दरमियान फॉल करेगा। ये थे वो तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनका मेरिट काफ़ी कम होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।